हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज हम लोग लीजा की बात करेंगे। लीजा हमारी कहानी की पात्र है। उसके जीवन में एक समस्या आई है। वह समस्या हम सभी के जीवन में कभी न कभी आने ही वाली है। तो उसने उस समस्या का समाधान किस तरह किया, उसी को हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, लीजा नाम की एक युवती थी जो एक छोटी सी फर्म में प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करती थी। वह वहाँ 2 साल से काम कर रही थी और हालांकि उसे अपनी नौकरी का आनंद लिया, उसे लगा कि वह अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ रही है। एक दिन ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग ब्राउज करते समय लीजा को नौकरी का एक विवरण मिला जिसने उसकी आंख पकड़ ली। यह एक बड़ी कंपनी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद था और यह उसके लिए खुद को चुनौती देने और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक सही अवसर की तरह लग रहा था। लीजा जानती थी कि इस पद के लिए मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन उसने उसे निराश नहीं होने दिया। उसने अगले कुछ सप्ताह आवेदन की तैयारी करने, अपने रिज्यूम को चमकाने, अपने कौशल को निखारने में बिताए। आखिरकार जब लीजा को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो वह घबराई हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ सूट पहना, सामान्य साक्षात्कार के सवालों के जवाबों का अभ्यास किया और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कंपनी में पहुंची। साक्षात्कार अच्छा गया और लीजा को विश्वास हो गया कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी के एक पद की पेशकश करने के लिए एक कॉल आया। अगले कुछ महीनों में लीजा ने अपनी नई नौकरी में कड़ी मेहनत की और अधिक जिम्मेदारियां ली, साथ ही चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को भी पूरा किया। उसने खुद को कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित कर दिया और जल्द ही उसे एक प्रबंधकीय पद पर पदोन्नत कर दिया गया। लीजा का करियर बढ़ता रहा। उन्होंने कई सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की। पीछे मुड़कर देखने पर उसने महसूस किया कि जोखिम उठाना और उच्च स्तरीय स्थिति के लिए आवेदन करना अब तक का उसका सबसे अच्छा निर्णय था। इसने न केवल उसे अपने कैरियर में बढ़ने दिया, बल्कि खुद पर और अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास हासिल करने में भी मदद की। लीजा की कहानी का नैतिक यह है कि कभी कभी विश्वास की छलांग लगाना डरावना हो सकता है, लेकिन इससे विश्वास और सफलता के अद्भुत अवसर भी मिल सकते हैं। तो इसी के साथ कहानी का अंत करते हैं। आप भी नई अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।